everyone. Today we are going to solve next question of exercise 5A. Question number 11. By what number should minus 5 to the power minus 1 be multiplied so that the product is 8 to the power minus 1? Minus 5 का power minus 1 किस number से हम multiply करेंगे कि हमें जो product देगा वो 8 to the power minus 1 होगा, यानी 8 inverse होगा. तो मल्टीप्लाई किसको करना था, माइनस फाइव टू द पावर माइनस. पहले मान लेते हैं लेट एक्स शुड बी मल्टीप्लाई, मान लेते हैं एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई किस में करना था, माइनस फाइव टू द पावर माइनस वन में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना था. तो हम एक्स माने तो एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देगा, एट टू द पावर माइनस वन ये देगा. अब यहाँ पे पावर जो है वो माइनस वन है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई फाइव ये नंबर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इनवर्स फाइव का इनवर्स क्या होता है, फाइव का इनवर्स वन बाई फाइव, यानी फाइव का रेसिप्रोकल वन बाई फाइव. तो यहाँ पे माइनस वन बाई फाइव इंटू एक्स इज इक्वल टू एट टू द पावर माइनस वन है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, वन बाई एट. अब यहाँ पे 1 बाई फाइव जो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी 1 बाई एट डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई फाइव. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एट डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो 5 है न्यूमरेटर में वो कहाँ, न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि माइनस 5. और 1 जो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो नीचे हम लोग 1 लिखते नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 माइनस 5 और नीचे 8 का 8, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस फाइव बाई एट, यानी माइनस फाइव का पावर माइनस वन को अगर हम लोग माइनस फाइव बाई एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 टू द पावर माइनस वन देगा. हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस फाइव टू द पावर माइनस वन है, चेक कर लेंगे तो मेरा x का वैल्यू कितना आया था, माइनस फाइव बाई एट. अब हम इस माइनस फाइव का पावर क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई फाइव, इसको इस टाइप से लिखेंगे. और यहाँ पे क्या है, माइनस फाइव बाई एट, तो यहाँ से फाइव से फाइव कट गया, माइनस माइनस मेरा हो गया प्लस, यानी वन बाई, यहाँ पे वन इंटू वन, यहाँ पे क्या आ गया, वन बाई एट. अब एट को क्या लिख सकते हैं, एट टू द पावर माइनस वन, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर एट टू द पावर माइनस वन आ जा रहा है. सेम क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, बाई वट नंबर शुड थ्री टू द पावर माइनस थ्री बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन फोर, यानी थ्री टू द पावर माइनस थ्री को किस नंबर से, तो हम एक्स मान लेंगे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना देगा, फोर देगा. अब थ्री का पावर माइनस थ्री है, यानी वन बाई थ्री का क्यूब, यहाँ लिख सकते हैं वन बाई थ्री का पावर थ्री इंटू एक्स इक्वल टू फोर. यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये फोर डिवाइडेड बाई वन बाई थ्री का क्यूब. अब थ्री का क्यूब क्या होता है, 27, यानी फोर डिवाइडेड बाई वन बाई 27. फिर हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करके कन्वर्ट करके बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 13, बाई वॉट नंबर शुड माइनस 30 टू द पावर माइनस वन बी डिवाइडेड टू गेट 6 टू द पावर माइनस वन. अब माइनस 30 टू द पावर माइनस वन को किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि हमें 6 टू द पावर माइनस वन देगा. तो हम मान लेते हैं लेट एक्स शुड बी डिवाइडेड, मान लेते हैं एक्स शुड बी डिवाइडेड माइनस 30 टू द पावर माइनस वन को, मान लेते हैं एक्स डिवाइड करेगा तो हमें क्या देगा, तो हमें 6 टू द पावर माइनस वन देता है. तो माइनस 30 टू द पावर माइनस वन यहाँ पे डिवाइड में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ ये नंबर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, या फिर डिवाइड माइनस वन, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस वन. अब यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई 30 ये लिख सकते हैं. इंटू एक्स को हम लोग क्या करेंगे, ये साइड ले आएंगे. यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, सिर्फ एक्स को देखेंगे तो यहाँ एक्स जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर पहले से क्या है मेरा 6 टू द पावर माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा. अब यहाँ पे एक्स को छोड़ के बाकी नंबर को एक तरफ ले आएंगे, यानी 6 टू द पावर माइनस वन को ये साइड ले आएंगे, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल के ये साइड ले आएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी माइनस वन बाई 30 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर माइनस वन इक्वल टू एक्स ये आ गया. अब यहाँ पे एक्स को हम इधर ले आते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाई 30 डिवाइड को डिवाइड, और 6 टू द पावर माइनस वन को क्या लिखेंगे, 1 बाई 6 ये लिख सकते हैं.
अब x इक्वल टू माइनस वन बाई थर्टी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 6 जो डिनोमेटर में कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में यानी कि 6। अब यहाँ 6 से 30 कटता है तो कट करेंगे 6 5 30, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1/5, यानी x का जो वैल्यू है माइनस 1/5 अगर हम लोग पुट करेंगे, यानी माइनस 30 का पावर माइनस 1 को अगर हम लोग माइनस 1/5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या देगा, 6 to the power -1, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं s to the power -5 का पावर -1।